नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा खास पहलू है रिश्ते बनाना। किसी भी संबंध में मजबूती का आधार होता है सम्मान। जब हम खुद सम्मान करते हैं, तभी अपने रिश्तों में दूसरों के लिए सम्मान का मॉडल तैयार कर सकते हैं। रिश्तों के बीच में बहुत जरूरी होता है कि आप एक दूसरे की बात सुने, रिस्पेक्ट करें। एक अच्छा श्रोता यह दिखाता है कि वो दूसरे व्यक्ति के कहने में रुचि रखता है, और यह किसी भी रिश्ते में सम्मान जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर शादी के बाद आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो वो मांगने से नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, कौन सी है वो चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, रिश्तों में हमेशा स्नेह बना के रखें। जी हां, प्यार एक खास एहसास है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि प्यार किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत होता है। कभी कभी रिश्ते के बीच में आहट आने लगती है कि आप अपने रिश्ते से नियंत्रण छुटा रहे हैं। अगर आप अपने प्रेमी को वो सब कुछ देने की जिद की संभावना है, वो इच्छा आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके स्नेह की प्रशंसा नहीं करते, तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता थोड़ा कमजोर हो रहा है। और यहाँ पे स्नेह और प्रशंसा प्यार बनाए रखने के दो प्रमुख कारण होते हैं। तो सबसे पहले, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें। रिश्ते बनाए रखने के लिए एक दूसरे का प्यार पाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये प्यार स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि किसी शर्त पर आधारित। अगर आपको हर समय अपने साथी के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये रिश्ता आपको भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। अपने आत्मसम्मान के लिए बोले और पार्टनर को बताएं कि उन्हें किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है, ये आप हमेशा याद रखें। अगली चीज आपको याद रखनी चाहिए वो है, अपने लाइफ में सीमाएं निर्धारित करें। अच्छे रिश्ते के लिए दोनों पार्टनर द्वारा कुछ सीमाएं भी निर्धारित करनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए लीजिए, अगर एक साथी दिन भर कुछ काम करना चाहता है और दूसरा साथी शॉपिंग करना चाहता है, तो दोनों को ही समझना चाहिए और एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। अगर आप रिश्तों के बीच में कुछ लिमिट रखेंगे, तो अपने लक्ष्य को आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। अब अगली चीज, खुद का सम्मान करते हैं, इसीलिए आपको दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, रिश्तों में सम्मान होना बहुत जरूरी है। सम्मान से ही आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले आपको रिश्ते का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको भी अपने पार्टनर से सम्मान मिलेगा। अब अगली चीज, अपनी जरूरतों को और खुद को समझो। जब तक आप अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपको लोग किस नजरिए से देख रहे हैं। रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्ते में सम्मान पाने के लिए बेहद जरूरी है कि एक दूसरे को समय दें, और साथ ही खुद के साथ अपने पार्टनर को भी समझें। जी हाँ, तो यही कुछ बातें हैं जो आपको शादी के बाद बहुत ही उपयोग में आएंगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।